Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. This session, I am starting a revision series which will cover all the chapters of 10th standard. Since the number of days for the forthcoming examinations are very less, it is my aim that I post at least 9 to 10 chapters daily. They may be a combination of chapters and poems, so that complete revision can be achieved by the students. I hope that you enjoy these series. These are going to be actual classroom transactions, so there are going to be some places where students' voice is not audible, but I have ensured that I repeat all comments so that no point is missed by any of you. Happy studying. Hanji beta ji, we are now going to do the chapter The Making of a Scientist by Robert W. Peterson. Now, the title itself is very suggestive, The Making of a Scientist. इसका मतलब क्या हुआ कि इस चैप्टर में आपको समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा हाउ अ पर्सन कैन बिकम अ साइंटिस्ट. अगर हम टाइटल को स्टडी कर रहे हैं तो इसके साथ इमीडिएटली हमारे को इसकी थीम और मैसेज भी समझ में आ जाता है कि इस चैप्टर में वी आर एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट, curiosity, inventiveness, etc. Scientific temperament क्या होता है कि आपकी जो सोच समझ है वो कितनी scientific है, right? अगर हम example लें थ्री idiots का, अगर वो movie का example लें, तो उसमें जो रणछोड़ दास चांचड़ का character है उसका scientific temperament हम क्यों कहते हैं कि उसका scientific temperament था, और the character फरहान का character scientific क्यों नहीं था? अगर आपको याद होगा तो रणछोड़ दास चांचड़ वुड ऑलवेज रूम विद अ स्क्रू ड्राइवर, है ना. वो कहते हैं उस बुक में कि उसको जो भी चीज़ मिलती थी वो उसको खोल देता था, कुछ जुड़ती थी कुछ नहीं जुड़ती थी. तो ये जो चीज़ें होती हैं, एक्सपेरिमेंट करना, नई चीज़ों की खोज करना, दैट इज़ नोन एज द साइंटिफिक टेम्परामेंट. आपका जो आपका जो रुझाव होता है, आपका जो इंक्लिनेशन होता है, दैट इज़ टूवर्ड साइंस, राइट. और साइंटिफिक टेम्परामेंट में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज रिक्वायर्ड आर क्यूरियोसिटी, इन्वेंटिवनेस. आप नई नई चीज़ें करो, आपको क्यूरियस होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ. एंड ये सारी चीज़ें जो हमारा मेन कैरेक्टर है रिचर्ड एब्राइट, उसमें हमारे को नज़र आती हैं. फिर इस चैप्टर का थीम ये भी है कि जब हम लाइफ में देखते हैं कोई बंदा बहुत सक्सेसफुल हुआ है, तो जो उसकी जड़ होती है, उसकी सक्सेस स्टोरी जो होती है, उसका जो रूट होता है वो एक्चुअल में बचपन में मिलता है. रिचर्ड एब्राइट भी सक्सेसफुल हुए, बट उनका जो रूट था वो कब हुआ, उनका जो रूट, ये सक्सेस का जो रूट था, ये बचपन में ही, it all happened due to the efforts of the mother. Mother ने ही बचपन में उनको, उनके अंदर वो success के जो बीज थे वो बो दिए थे. He was able to grow because of his mother's efforts when he was young, right? And जो third theme है, जो last theme है, कि if you want to succeed in life and reach great heights, जैसे Ebright ने किया है, तो आपको लाइफ में क्या होना पड़ेगा, यू विल हैव टू बी सिंसियर, फोकस्ड एंड डिटर्मिंड. एब्राइट ने पूरे चैप्टर में आपको उसकी सिंसियरिटी दिखेगी, उसने पूरे चैप्टर में एक्सपेरिमेंट्स डिफरेंट ज़रूर किए हैं, बट ऑल दोज एक्सपेरिमेंट्स वर फोकस्ड ऑन द मोनार्क एग्स बटरफ्लाई, राइट. ही वॉज फोकस्ड ऑन वन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, और उन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, it was on this species of animals only, and he was determined to win in life. Richard Ebright के बारे में ये बात कहते हैं तो हमारे को अब उसके character की study becomes of paramount importance. Then who was Richard Ebright? Right? By hobbies, he was an enthusiastic astronomer. उनको star gazing करना बहुत पसंद था. अक्सर रातों को he would gaze at the stars, right? He also had a telescope which was given to him by his mother. अब उनके और characteristics क्या हैं? I've already told you he was determined. He was very hardworking and he was very brilliant. वो हमेशा अपने exams में अच्छा करते थे.
जो डिफरेंट साइंस फेयर के कॉम्पिटिशन्स में उन्होंने पार्ट लिया, राइट, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, ही वॉज ऑलवेज एबल टू परफॉर्म देम वेरी वेल. अपार्ट फ्रॉम दैट ही वॉज अ वेरी स्किल्ड डिबेटर एंड अ पब्लिक स्पीकर. वो बहुत अच्छे से डिबेट कर पाते थे, लोगों को बहुत ईजिली अपनी पब्लिक स्पीकिंग से कन्विंस कर पाते थे. फिर इफ़ यू टॉक अबाउट हिज माइंड, ही हैड अ वेरी क्यूरियस माइंड. उनमें बहुत ज़्यादा इच्छा थी, यू नो, आई डोंट नो द हिंदी वर्ड फॉर इट, बट जिज्ञासा, आई थिंक, यस, नई चीज़ें जानने की उनमें बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी. ही हैड अ कीन इंटरेस्ट इन आउटडोर एक्टिविटीज़. उनको फोटोग्राफी, कनोइंग, ये सारी चीज़ें करने में बड़ा मज़ा आता था. एंड ही बिकेम अ साइंटिस्ट ड्यू टू हिज डेडिकेशन एंड डिवोशन टू वर्क, राइट. ही वॉज अ वेरी डेडिकेटेड मैन, अ वेरी डेडिकेटेड यंग मैन, जिसने बड़ी डिवोशन के साथ अपना काम ख़त्म किया है. विद दिस वी कम टू द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ एब्राइट्स मदर. हम कहते हैं कि एब्राइट सक्सेसफुल बने बिकॉज ऑफ द रूट्स विच वर सोड इन हिज चाइल्डहुड. तो ये रूट्स को सो किसने किया था? दे वर सोड बाय द मदर. शी वॉज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एब्राइट्स सक्सेस. और वो उसको प्यार से रिची बुलाते थे. ड्राइविंग फोर्स का मतलब होता है द मेन रीज़न फॉर एब्राइट्स सक्सेस. वो हमेशा एब्राइट को एनकरेज करते थे, वो उसको ट्रिप्स पे लेकर जाते थे, और एब्राइट को किसी भी टाइम पर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी, चाहे वो टेलीस्कोप्स हों, माइक्रोस्कोप्स हों, कैमरा हो, या फिर बटरफ्लाइज़ को माउंट करने के लिए माउंटिंग मटेरियल की ज़रूरत हो, या कोई भी और इक्विपमेंट हो, तो वो हमेशा शी वुड बाय इट फॉर हिम. वो कभी भी उसको मना नहीं करते थे. अब नॉट ओनली हिज माइंड, बट शी ऑल्सो लुकड आफ्टर हिज इमोशनल नीड्स. बींग अ चाइल्ड ही रिक्वायर्ड फ्रेंड्स. वो जिस एरिया में रहते थे वहाँ पर दूर दूर तक बच्चे नहीं थे, सो शी वुड मेक एन एफर्ट कि उसके फ्रेंड्स को खुद वो घर लेकर आती थी, एंड उनके साथ वो एंजॉय कर पाते थे. और रात को जब फ्रेंड्स चले जाते थे तो वो दोनों मिलके अलग अलग गेम्स खेलते थे, अलग अलग काम इकट्ठे करके खेलते थे. सो शी डिड नॉट अलाउ एब्राइट टू एवर फील लोनली और अलोन. यू नो, जब उसके पास कोई काम नहीं होता था तो वो उनको फ्री नहीं बैठने देती थी, वो हमेशा उनके लिए कोई ना कोई काम ढूंढ कर ही रखती थी. इट वॉज़ हर सपोर्ट, हर गाइडेंस एंड हर केयर जिसके कारण एब्राइट जो है ही बिकेम एन एकम्प्लिश्ड साइंटिस्ट, राइट. ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ क्वाइट लॉन्ग, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस ओनली द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. फर्स्ट, ही डिस्कवर्ड हिज, यू नो, हम एब्राइट को इतना इम्पॉर्टेंट क्यों मानते हैं? हाउ डिड ही बिकम सो फेमस? उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसके कारण दुनिया भर में उनका नाम हुआ? सो दैट वॉज हिज थियोरी ऑन हाउ सेल्स वर्क. जब वो सिर्फ 21 ईयर्स के थे तो एब्राइट ने अपने कॉलेज रूममेट के साथ मिलकर पेपर में एक थियोरी को पब्लिश करवाया. दिस थियोरी वॉज बेस्ड ऑन हाउ सेल्स वर्क. अब ये जिस पेपर में उन्होंने पब्लिश कराया, जिस जर्नल में पब्लिश कराया, इस जर्नल का नाम था प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, राइट. और ये जो जर्नल था ये बहुत रेप्यूटेड जर्नल था. इस जर्नल में सिर्फ और सिर्फ फेमस लोगों के नाम ही छपते थे जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं दुनिया में. सिर्फ उन लोगों के नाम इस जर्नल में छपते थे. और फैक्ट, ये फैक्ट कि सिर्फ एक 21 साल का लड़का और उसका जो कॉलेज रूममेट है, उनका जब ये थ्योरी छपा तो इट वॉज, यू नो, इट हिट द साइंटिफिक वर्ल्ड. वो पूरा वर्ल्ड, साइंटिफिक वर्ल्ड बड़ा चौंक गया कि ये क्या हो गया. यू नो, एक उनके लिए, यू नो, ऐसे था कि एक छोटे से बच्चे ने बहुत ज़्यादा, यू नो, सेंचुरी मार दी है वर्ल्ड कप में. तो दे वर वेरी वेरी सरप्राइज कि हाउ डिड दिस हैपन, कि एक 21 ईयर ओल्ड मैन का थ्योरी जो है वो इतने इम्पॉर्टेंट जर्नल में, इतने रेप्यूटेड जर्नल में कैसे छप गया. सो दैट इज़ हाउ ही अटेंड, यू नो, हाउ ही बिकेम सो फेमस. अच्छा, अब हम बात करते हैं एब्राइट का बचपन कैसे था. एब्राइट अपने पेरेंट्स का इकलौता बच्चा था.
He grew up in Reading, Pennsylvania, that is in USA. Reading एक छोटा सा टाउन था, right, in the state of Pennsylvania. और ये वहाँ पे दूर दूर तक कोई रहने वाला नहीं था. बचपन में उनको शौक चढ़ा, you know, he was interested in butterflies. और वो जब kindergarten मतलब जब वो KG में ही थे, that is the time when he started collecting the butterflies. Apart from this, he also loved collecting rocks, fossils and coins. Right? उनको ये भी उनका interest था, ये भी उनकी hobby थी. और already I've told you कि वो उनको रातों को stars को देखना, gaze करना, G-A-Z-E, gaze करना बहुत पसंद आता था. Mother, I've already told you, played a very important role in his encouragement. Mother अपने बेटे की ambition को, उसके aspirations को समझती थी और वो उसको encourage करते थे कि हर बार नई चीज़ें सीखे. Ambition होता है हम ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं. Aspiration होता है हमारा ड्रीम, हम ये बनने के लिए aspire कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, राइट. ये एम्बिशन है कि मैं ये बनना चाहता हूँ. और एस्पायर होता है कि हम उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं. तो मदर उसके ड्रीम्स और एस्पिरेशंस को समझते थे और इनक्रेज करते थे. वो उसको ट्रिप्स पे लेकर जाते थे, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, उसके लिए सारा मटेरियल लेकर आते थे. एंड शी वॉज इज ओनली कंपेनियन टिल एब्राइट वेंट टू स्कूल. एब्राइट वॉज इन ग्रेड 3, थर्ड स्टैंडर्ड में थे जब उनके पापा की डेथ हो गई. और उसके बाद एब्राइट अपनी मदर की पूरी लाइफ बन गया. मदर की लाइफ जो है वो एब्राइट के चारों तरफ रिवॉल्व होने लग गई. हर एवरी वेकिंग थॉट वॉज ऑफ एब्राइट, उसकी परवरिश, उसका इनकरेजमेंट, उसकी प्रोग्रेस इन लाइफ, दैट बिकेम द मदर्स गोल. जब एब्राइट सेकेंड ग्रेड में आया था, जब तक ही हैड ऑलरेडी कलेक्टेड ऑल द 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज विच कुड बी फाउंड इन हिज होम टाउन. I've already told you, जब वो KG में था तभी उन्होंने बटरफ्लाइज कलेक्ट करना शुरू कर दिया. और सेकेंड स्टैंडर्ड में आते आते तक ही वॉज एबल टू कलेक्ट ऑल द 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज जो उनके एरिया में पाई जाती थी. अब उसका इंटरेस्ट बटरफ्लाइज में देखकर मदर ने उसको एक बुक ला के दी. बुक का नाम था ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, राइट. इस बुक में एब्राइट को पता चला हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका. और इस बुक ने एब्राइट के लिए वर्ल्ड ऑफ साइंस को ओपन कर दिया. एब्राइट एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ साइंस. इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ दिस बुक. सो आफ्टर दिस उसका जो ये काम था, मतलब उसका जो इंटरेस्ट था, वो बटरफ्लाइज में और ज़्यादा इंटेंसीफाई हो गया. अब जब उसने पूरी बुक किताब पढ़ ली तो किताब के एंड में राइटर ने, दैट इज़ डॉक्टर फ्रेडरिक अर्क्यूहार्ट ने, वहाँ पे रीडर्स को इनवाइट किया था टू हेल्प इन हिज एक्सपेरिमेंट. कहते जो भी रीडर इंटरेस्टेड है दे शुड टैग बटरफ्लाइज. टैगिंग बटरफ्लाइज का मतलब होता है टू पुट वेरी स्मॉल स्लिप्स ऑन द विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई. हाँ जी, तो ये उन्होंने टैगिंग क्यों बोला था, बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्टडी द बटरफ्लाई माइग्रेशन पैटर्न. बटरफ्लाई कहाँ तक माइग्रेट करती है, कितना डिस्टेंस कवर करती है. डॉक्टर फ्रेडरिक अर्क्यूहार्ट इस चीज़ के ऊपर स्टडी कर रहे थे. तो एब्राइट ऑल्सो बिकेम अ पार्ट ऑफ द स्टडी. ही ऑल्सो स्टार्टेड अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ द मोनार्क. छोटी छोटी स्लिप्स, मतलब इनको टैग्स बोला जाता है, उन्होंने मोनार्क बटरफ्लाई के विंग्स पे अटैच करना शुरू किया. और इस टैग पे लिखा होता था कि जिसको भी ये बटरफ्लाई मिलेगी दे शुड सेंड इट टू डॉक्टर अर्क्यूहार्ट, सो दैट यू नो, वहाँ पे मेंशन करते हुए कि हमें ये बटरफ्लाई इस जगह पे मिली है, सो दैट डॉक्टर अर्क्यूहार्ट कुड कंप्लीट हिज रिसर्च. अब उनको यू नो रिचार्ड को बटरफ्लाइज ढूंढना बहुत मुश्किल लगने लग गया. सो व्हाट डिड ही डू, उन्होंने अपने बेसमेंट में ही मोनार्क बटरफ्लाइज को रेस करना शुरू किया, ब्रीड करना शुरू किया. ही कॉट अ फीमेल मोनार्क, उसके वो एग्स लेता था और फिर ही वुड डेवलप देम थ्रू द एंटायर साइकिल. उनका पूरा वो जो रिप्रोडक्शन का साइकिल होता है, उनका ग्रोथ का साइकिल होता है, वो पूरा प्रोसेस करवाता था. एंड देन फाइनली जब वो बटरफ्लाई बड़े हो जाते थे वो उनके ऊपर टैग लगाता था एंड ही वुड अलाउ देम टू फ्लाई अवे. बट बहुत, मतलब थोड़ी ही देर में
उनका जो ये इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो गया। इसका रीज़न था क्योंकि इस स्टडी से उनको ज़्यादा फीडबैक नहीं मिल रहा था। मोर ओवर टैगिंग करना बहुत डल, बहुत टायरसम वर्क था। इट वॉज़ अ वेरी मोनोटनस वर्क। उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तो आफ्टर जस्ट आफ्टर अ लिटिल वाइल ही लॉस इंटरेस्ट इन टैगिंग इट। नाउ अब आफ्टर दैट यू नो रिचार्ड ने बड़े सारे साइंस फेयर्स में पार्ट लिया। जो सबसे पहले पार्ट लिया उन्होंने उस कंपटीशन में, साइंस कंपटीशन में, उन्होंने फ्रॉग के टिश्यूज़ की स्लाइड्स लोगों को दिखाई, राइट? बट अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट दैट कंपटीशन। एब्राइट ने कंपटीशन तो लूज़ किया बट उनको एक बहुत बड़ी शिक्षा मिली कि अगर हमें जीतना है तो हम पुराने एक्सपेरिमेंट्स को यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमें लाइफ में जीतना है तो हमें कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, राइट? और इस कंपटीशन की हार ने उनके अंदर जीतने की जिज्ञासा, जीतने की इच्छा और भी ज़्यादा बढ़ा दी। एंड ही डिसाइडेड टू प्रोसीड विद हिज इंसेक्ट वर्क बिकॉज वो ऑलरेडी किंडरगार्टन से इंसेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा था। सो उसको इंस्ट्रक्ट करने के लिए ही डिसाइडेड टू आस्क डॉक्टर अर्क्यूहार्ट। उन्होंने डॉक्टर अर्क्यूहार्ट को लेटर लिखा और डॉक्टर अर्क्यूहार्ट ने ही सेंट हिम यू नो अ कम्प्लीट लेटर of all the different experiments जो एब्राइट कर सकते थे in order to you know to appear to participate in future science competitions. And Dr. Urquhart के suggestions को उन्होंने follow किया and after that he was able to win many prizes. He was able to win many prizes in not only county science fairs but also international science fairs. County का मतलब होता है district के, और इंटरनेशनल तो आपको पता ही है कि जब हम दूसरे नेशंस के साथ भी कंपीट करते हैं। सो इवन एट दैट लेवल एब्राइट वाज एबल टू विन मेनी प्राइजेस। अब कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स थे, कौन कौन से प्राइजेस थे, वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी दोज कॉम्पिटिशन्स एंड प्राइजेस। सो एब्राइट वाज इन द एट्थ ग्रेड, वो एट्थ स्टैंडर्ड में थे जब उन्होंने सेकेंड अपना उन्होंने अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया। The experiment was to find the reason, you know, the viral disease which caused the death of monarch caterpillars after every few years. Monarch caterpillars को कोई बीमारी होती थी जिससे कुछ सालों बाद एक viral disease फैलता था जिससे सारी monarch butterflies जो हैं they would die. उन्होंने बोला कि मुझे अब जो मेरा ये experiment है ये मैं इस topic पे करूँगा कि monarch butterflies क्यों मरते हैं। तो एक एजम्पशन था कि जो मोनार्क बटरफ्लाई को जो बीमारी होती है दैट इज़ कैरीड बाय अ बीटल। ये बीटल उसके वायरस को कैरी करता है जिससे कैटरपिलर इन्फेक्ट होता है। तो रिचार्ड ने इन कैटरपिलर्स को इन बीटल्स के प्रेजेंस में ब्रीड किया, राइट? ही स्टार्टेड रेजिंग द कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स बट नथिंग हैपेंड टू द कैटरपिलर्स, राइट? Whether he was able to prove the theory or not, that was not the point. वो अपनी theory prove कर पाएँ या नहीं कर पाएँ वो important नहीं था। Important ये था कि उन्होंने एक real experiment try किया। उन्होंने ये show किया कि caterpillars के मरने में beetle का कोई हाथ नहीं है, right? Project ने कुछ भी prove नहीं किया। Project ने नहीं show किया कि caterpillars क्यों मर रहे हैं। बट बिकॉज रिचार्ड ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया था तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए उनको प्राइज मिला। उसके बाद रिचार्ड ने एक और एक्सपेरिमेंट किया कि वाइसरॉय बटरफ्लाइज मोनार्क बटरफ्लाइज को क्यों कॉपी करते हैं। इट वॉज एज्यूम्ड, ये एक एजम्पशन था, यू नो मान्यता थी कि वाइसरॉय बटरफ्लाइज मोनार्क को इसलिए कॉपी करते हैं बिकॉज मोनार्क बटरफ्लाइज बर्ड्स को स्वाद नहीं लगते। ये एजम्पशन था कि बर्ड्स जो हैं वो मोनार्क बटरफ्लाइज को नहीं प्रिफर करती खाना। तो वाइसरॉय बटरफ्लाइज भी अपने आप को बचाने के लिए बर्ड से वो उन्होंने मोनार्क बटरफ्लाइज की तरह अपना अपीयरेंस बना लिया था। दे रिजेंबल्ड द मोनार्क बटरफ्लाइज। अब रिचार्ड ने क्या किया, उन्होंने प्रूफ किया कि ये जो बर्ड्स थे, ये जो स्टारलिंग्स थे, इनको ऑर्डिनरी फूड नहीं पसंद था बट उनको कोई हेजिटेशन नहीं थी मोनार्क बटरफ्लाई को भी खाने में।
So he proved that that is not the reason why the viceroy butterflies resembled the monarch butterflies. ये कोई कारण नहीं है कि क्योंकि वो अपनी जान बचाना चाहते हैं बर्ड से, इसीलिए वो मोनार्क को कॉपी करते हैं. उन्होंने इस थियोरी को डिसप्रूव किया by showing that the birds were eager to eat the monarch butterfly. Birds बड़े eagerly monarch butterfly को खा जाते थे. अब इस experiment के लिए he won the first prize in zoology division. जो county fair का zoology division है उन्होंने उसमें first prize win किया. And overall science fair में, county science fair में इस project के लिए he won the third prize. Right? तो ये दो एक्सपेरिमेंट्स में उनको प्राइजेस मिले. अब उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया व्हेन ही वाज इन हिज सेकंड ईयर इन हाई स्कूल. ही वाज ऑलरेडी रिसर्चिंग ऑन बटरफ्लाइज. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि राइट फ्रॉम किंडरगार्टन ही वाज इंटरेस्टेड इन बटरफ्लाइज, और बड़े होने के बाद भी उनका बटरफ्लाइज के ऊपर ही इंटरेस्ट रहा था. उन्होंने बटरफ्लाइज के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया और डिस्कवर किया कि जो मोनार्क बटरफ्लाई होता है उसके प्यूपा के ऊपर 12 गोल्ड स्पॉट्स होते हैं. लोगों को एजम्पशन था कि ये जो गोल्ड स्पॉट्स होते हैं ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए होते हैं, बट एब्राइट ने ये बात प्रूव करी कि ये जो 12 गोल्ड स्पॉट्स हैं इनमें एक हार्मोन है, और ये हार्मोन है जो इन कैटरपिलर्स को बटरफ्लाई बनने में हेल्प करता है. It helps the caterpillars to develop into butterflies. He proved that कि ये हार्मोन, मतलब ये जो हार्मोन इन्होंने डिस्कवर किया गोल्डन स्पॉट्स में, that was his, you know, base. That इस चीज़ ने उनको अपनी न्यू थियोरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स की डिस्कवरी में पहला कदम में जीत दिलवाई थी. ये गोल्डन स्पॉट्स की डिस्कवरी से एब्राइट न्यू थियोरी अबाउट सेल लाइफ को, ही वॉज एबल टू वर्क ऑन इट, ही वॉज एबल टू फिनिश इट, ही वॉज एबल टू प्रूव इट. अब ये जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया अबाउट द 12 गोल्डन स्पॉट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा, फॉर दिस ही वन द फर्स्ट प्राइज इन द काउंटी फेयर, जिसके कारण उन्होंने इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में कॉम्पीट किया. और इस कंपटीशन में, इंटरनेशनल कंपटीशन में, उनके प्रोजेक्ट को थर्ड प्राइज मिला इन द जूलॉजी डिपार्टमेंट. यू नो साइंस फेयर्स में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो जूलॉजी मींस द एनिमल डिपार्टमेंट. तो उस जूलॉजी डिपार्टमेंट में एब्राइट वाज एबल टू विन द थर्ड प्राइज. अच्छा, अब इसी एक्सपेरिमेंट को एब्राइट ने कंटिन्यू किया राइट जब वो अपने कॉलेज के सीनियर ईयर में गए, तो उन्होंने मोनार्क बटरफ्लाई की विंग से कुछ सेल्स लिए और उसको एक कल्चर में शो किया कि ये जो सेल्स हैं ये नॉर्मल बटरफ्लाई विंग से स्केल्स बन जाएंगे अगर हम इनको वो गोल्ड स्पॉट्स का जो हार्मोन है उसको फीड करें, उसके साथ मिलाएं, उनको वो न्यूट्रिशन दें, तो ये जो सेल्स हैं दे वुड ग्रो इनटू अ नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स राइट. उन्होंने बटरफ्लाई के विंग से ही ये कल्चर बनाया था, कुछ सेल्स लिए थे और ये शो किया कि सेल्स प्रॉपर विंग्स बन जाएंगे ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स. वो जो गोल्डन स्पॉट्स थे ना प्यूपा, मोनार्क प्यूपा पे, उस गोल्ड स्पॉट्स का उन्होंने प्रूव किया कि वो कितने इम्पॉर्टेंट होता है वो गोल्ड स्पॉट्स. और इस प्रोजेक्ट के लिए उनको जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर, जूलॉजी में उनको फर्स्ट प्राइज मिला राइट. सो ही वन मैनी काउंटी फेयर्स एंड इवन वन प्राइजेज एट द इंटरनेशनल फेयर. अच्छा, अब उसके बाद हम एब्राइट की अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर. फ्रेशमैन ईयर होता है आफ्टर हिज फर्स्ट ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. जब उनका हार्वर्ड में काम ख़त्म हुआ तो वो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो गए और उन्होंने इसी हार्मोन के ऊपर फर्दर रिसर्च किया और वहाँ के यू नो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था उसमें बड़ी एडवांस लेबॉरेटरी इक्विपमेंट था. ऑब्वियसली बड़ा कॉलेज, बड़ी यूनिवर्सिटी, तो बड़ा अच्छा ज़्यादा एडवांस इक्विपमेंट होता है. और उन्होंने इस हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर, अगर आपको टेंथ की साइंस के बारे में कुछ याद है तो हर चीज़ का एक केमिकल स्ट्रक्चर होता है, एंड रिचार्ड वॉज एबल टू आइडेंटिफाई दिस केमिकल स्ट्रक्चर.
और उनको इन्फॉर्मेशन मिला, ही फाउंड इन्फॉर्मेशन दैट हाउ अ सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। एक सेल अपना डीएनए का ब्लूप्रिंट पढ़ के वो कैसे हमारी हेरिडिटी को कंट्रोल करता है, वो पूरा उसने उन सेल का फॉर्म फंक्शन जो कुछ भी होता है ये सारी चीज़ें प्रूव की। ही प्रूव दैट सेल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, यू नो द डीएनए इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, ये चीज़ को उन्होंने प्रूव किया। उसके बाद ये दोनों बॉयज़ दैट इज़ एब्राइट और उनका जो क्लासमेट था, उन्होंने इस थ्योरी को डिटेल में एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। अब ये पिक्चर्स किसने खींचे, अगेन दे वर डन बाय एब्राइट। इफ़ यू रिमेंबर इट वॉज इज हॉबी, फोटोग्राफी वॉज इज हॉबी। मतलब एब्राइट की ग्रोथ एज अ साइंटिस्ट में हम देखेंगे कि उनकी जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी दे ऑल्सो हेल्प्ड हिम इन हिज पैशन। हिज पैशन वॉज साइंस, हिज पैशन वॉज स्टडिंग द सेल स्ट्रक्चर, राइट। तो जो फोटोग्राफी जिसमें उसका इंटरेस्ट था, जो उसकी हॉबी थी, दैट हॉबी ऑल्सो हेल्प्ड हिम इन हिज पैशन, राइट। तो ही उन्होंने ये सारी थ्योरी को डिटेल में एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स एंड प्लास्टिक मॉडल्स, और इस थ्योरी को दे गॉट इट पब्लिश्ड इन द जर्नल जो मैंने जैसे आपको पहले बताया था। इट वॉज द हाइएस्ट ऑनर के दो यंग बच्चे, 21 ईयर ओल्ड मतलब यंग मैन की जो 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 उनका पेपर था, जो उनका रिसर्च पेपर था, फॉर इट टू बी पब्लिश्ड इन सच अ प्रेस्टीजियस साइंस जर्नल, दैट वॉज द हाइएस्ट ऑनर, राइट। उसके बाद एब्राइट ने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ज्वाइन करके ही कंटिन्यूड हिज रिसर्च ऑन द थ्योरी, और उनको ये यकीन था कि अगर वो अपनी थ्योरी को प्रूव कर देंगे तो दुनिया भर में बहुत बीमारियां, स्पेशली सम टाइप ऑफ कैंसर्स की क्योर निकल आएगा, दुनिया को बहुत ज़्यादा बीमारियों से बचाया जा सकता है। ही वुड बी एबल टू हेल्प द वर्ल्ड इन रिडिंग इट ऑफ सम डिजीज़ लाइक सम टाइप्स ऑफ कैंसर। अब हैविंग सेड ऑल दिस, क्या रिचर्ड एब्राइट वॉज ही अ बुकवॉर्म? द आंसर इज़ नो, रिचर्ड वॉज नॉट अ बुकवॉर्म। उनकी बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी, हमने ये पहले भी डिस्कस किया है। वो चैम्पियन डिबेटर थे, ही वॉज अ वेरी गुड पब्लिक स्पीकर, ही वॉज एन एविड रीडर। एविड रीडर का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा डिज़ायरस होता है टू रीड बुक्स। ही वॉज अ वेरी गुड कन्विस्ट एंड एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। वो नेचर की फ़ोटोज़ लेना पसंद करते थे, साइंटिफिक एग्जिबिट्स की पिक्चर्स लेना पसंद करते थे। नाउ लास्ट वेरी इम्पॉर्टेंट इज़ कि उनके जो सोशल स्टडीज़ के टीचर थे, रिचर्ड वेहरर, दैट इज़ WEIHERER, उनका क्या ओपिनियन था एब्राइट के बारे में? तो वो कहते थे कि एब्राइट एक ऐसा बच्चा है जो पूरा दिन अपने रिसर्च पे, साइंटिफिक रिसर्च पे काम करने के बावजूद ही वुड गिव अराउंड 3 to 4 hours डूइंग रिसर्च फॉर हिज डिबेट। मतलब उस रिचर्ड सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के साथ स्टिक नहीं करता था, बट वो अपने कोई भी दूसरा काम है, जैसे डिबेट है, डिबेट में भी बहुत रिसर्च चाहिए होती है, तो वो अपनी डिबेट की रिसर्च को भी 3 to 4 hours देते थे। ही वॉज दैट enthusiastic अबाउट everything इन his लाइफ। फिर उन्होंने कहा कि रिचर्ड को कॉम्पिटिशन जो है पसंद, दैट इज़ अ हेल्दी कॉम्पिटिशन। ही डिड नॉट वॉन्ट टू विन फॉर द सेक ऑफ विनिंग, बट ही वॉन्टेड टू विन टू बी द बेस्ट। वो ज़िंदगी में सबसे बेस्ट बनना चाहते थे, इसीलिए वो कॉम्पिटिशन्स जीतना चाहते थे। ही डिड नॉट वॉन्ट टू विन कॉम्पिटिशन्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ विनिंग, कि हाँ मेरी दुनिया में वाहवाही होगी। दैट वॉज नॉट द रीज़न फॉर हिम वॉन्टिंग टू विन कॉम्पिटिशन्स, बट वो अपने आप में संपूर्ण बेस्ट बनना चाहते थे, जिसके लिए दैट वॉज द ड्राइविंग फोर्स इन हिज लाइफ। उनकी मामा के साथ साथ द डिज़ायर टू बी द बेस्ट वॉज द ड्राइविंग फोर्स इन एब्राइट्स लाइफ। सो विद दिस पॉइंट वी फिनिश ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आएगा और इंस्ट्रक्टिव होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दैट यू लाइक्ड इट। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड रिमेंबर टू प्रेस द बेल आइकन
for further notifications. Thank you.